हम तो प्यार करने वाले हैं, वी आर टू लव बर्ड्स। अरे ऐसे प्यार करने वाले पंछियों को ना कभी जुदा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे लव बर्ड्स को जुदा करेंगे तो माता रानी पाप लगाएंगे, ऐसा पाप कि आपकी जिंदगी कभी सच्चा प्यार आएगा नहीं। अगर सच्चा प्यार आएगा तो पीठ दिखा के चला जाएगा, ऐसा ही पाप मेरे सर पे था। तुम्हारे रोमांटिक मोमेंट्स आए या ना आए, लेकिन मेरे क्लाइंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं जाने चाहिए। That's why no lunch for Anya. लेकिन दादा, please. No, Anya, I said no. Please, दादा. कुछ जल रहा है क्या? नहीं, मतलब पैंट्री में कुछ जल रहा है क्या? क्योंकि कल भी मैंने ऑमलेट मंगाया था तो सालों ने जला हुआ भेज दिया था। Naughty people. Mr. Sen Gupta. आपको मैं कितना सारा बिजनेस दे रहा हूं ना, आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट होने के नाते मैं आपको कुछ छोटा सा सजेशन देना चाहता हूं, पर्सनल सजेशन, वेरी हम्बली। देखिए, आपको भी ना ये अपनी वाली के साथ थोड़ा थोड़ा सा मतलब इनको लेके जाइए, कुछ अचानक अचानक वाले प्लान बनाइए। वो क्या है कि इससे पत्नियां खुश रहती हैं, इससे पत्नियां खुश रहती हैं तो पति खुश रहते हैं, क्योंकि पत्नियां साथ में रहती हैं। वरना आजकल हवा बहुत उल्टी चली हुई है, पत्नियां भी आजकल छेड़ी लगा के कहीं भी निकल लेती हैं। देखो, मुझे तुम्हारे नसीहत की कोई जरूरत नहीं है। ओके, मेरे लिए काम अपनी जगह है और पर्सनल लाइफ अपनी जगह, एंड आई नेवर मिक्स द टू अनलाइक सम पीपल। बट मिस्टर सेन गुप्ता, क्या हो गया ना अचानक? हाँ, कुछ गलत क्या किया मैंने? हाँ, वैसे एक बात कहूँ आनिया, अगर तुम बुरा ना मानो तो, तुम्हारे ये भ्राताश्री, ये दादा, दादा जी टाइप है। नहीं मतलब बुरा मत मानो, प्लीज, वेरी बोरिंग है यार, बड़े 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 अजीब टाइप के हैं यार। मिस्टर साई, सॉरी। खैर, उनकी भी गलती नहीं है। अब मुझे देखो, मेरा तो आजकल काम में मन ही नहीं लगता बेबी। वैसे हमारे रिलेशनशिप में कितने सारे कोइंसिडेंसेस है ना। यू कांट स्पेल जानू विदाउट आनू, यानी कि जे प्लस आनू इज इक्वल टू जानू। सॉरी। इन्हें क्या हो गया, दोनों कितने एक जैसे हैं ना। गई, यू आर एन एंजल, थैंक यू सो मच। चलो चलाते आगे। सिड तो हो गया है पागल, पूरा पागल, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो कुछ करना है अब हमको करना है। पर अंकल जी, हुआ क्या? सिड, सिड तो आ गया बेटा, सब ठीक तो है ना? सबसे पहले मुझे ये बता कि तू आने के लिए सीरियस तो है ना? सब लोग जानना चाहते हैं सिड, और मुझे मालूम है तू उनके घर गया था, नैना जी का फोन आया था, कह रही थी कि तू पूजा के लिए वहां गया है। बता ना सच क्या है सिड। ऑफ कोर्स मॉम, बिल्कुल सीरियस हूं, मेरी पत्नी है वो, सीरियस क्यों नहीं होऊंगा। बस 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 बस, मुझे यही सुनना था। मैं तो कब से सबको यही कह रही थी कि तू आन्या के लिए सीरियस है और रोशनी को तो कौन रोशनी? अब रोशनी एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए अब मैं उसका नाम ना यहां इस घर के अंदर सुनना चाहता हूं और ना ही बाहर। रोशनी नहीं है मॉम, अगर है तो सिर्फ रागनी, और मैं किसी रागनी को नहीं जानता और जानना चाहता भी नहीं हूं। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? सिट तो रोशनी से नफरत करने लगा है ना। वो अपना दिमाग लगाओ, कुछ ऐसा कभी हो सकता है कि वो रोशनी से नफरत करे? उसने कह दिया, तूने मान लिया बस। और वो ये सब गुस्से में कर रहा है, उसकी नाराजगी है बस, और कुछ नहीं है। हमें कुछ ऐसा करना है कि जिससे सच्चाई बाहर आए। पर ये काम हम तो नहीं कर सकते। करेक्ट, ये काम केवल एक आदमी कर सकता है। कौन? I swear, पता नहीं आनिया को ना इस लंगूर में क्या दिखा। बिहेव्स लाइक ए कॉलेज किड यार।
मुझे लगता है जब भगवान मैच्योरिटी बांट रहे थे ना, ये तब भी कॉलेज की लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। नो रियली। चलो इस इडियट की वजह से ही सही, लेकिन तुम्हें हंसता हुआ देखकर अच्छा लगा। आइए 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 आइए, लगा दीजिए इसी टेबल पे, सब लगा दीजिए। आइए आइए, आराम से आराम, शर्माने की जरूरत नहीं है। फटाफट फटाफट सारे बर्तन यहाँ लगा दीजिए। एक्सक्यूज मी, ये सब क्या हो रहा है? एक्सक्यूज मी, क्या क्या है ये? आहा, लुक हूज हियर, आ जाओ जानू। जानू ये सब क्या है? खाना है बेबी। अब तुम्हारे दादा ने तुम्हें लंच पे जाने दिया नहीं, तो मैंने सोचा मैं लंच लेके यही आ जाता हूँ, है कि नहीं? लगा डालिए सब टेबल पे, बिछा दो ये खाना बिना शर्माए। आओ बैठो बेबी। ओ कम ऑन बेबी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टिकाऊ तशरीफ का टोकरा बेबी। मैं भी बैठ ही जाता हूँ यार, बहुत थक गया ये सब कुछ कर करके। गुड जॉब। ले ले मां भी। जनाब का हाथ इट मस्ट बी वेरी पेनफुल ना? इट इज। वाह, फील सो मच बेटर। एक और बार करो, देखना पूरा दर्द निकल जाएगा। गो अहेड। रे आराम से। थैंक यू। अच्छा मेन्यू है? मेन्यू मेन्यू पता है मेरी मॉम क्या कहती है अनु? जब भगवान मैच्योरिटी बांट रहा था ना, तो मैं चाइनीज खा रहा था। आई लव चाइनीज। पता है मेन्यू में क्या क्या है? वेज हक्का नूडल, वेज फ्राइड राइस, वेज मशरूम फ्राइड राइस, वेज मशरूम फ्राइड नूडल, वेज ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस, वेज ट्रिपल शेजवान फ्राइड नूडल, वेज मंचूरियन भी है, वेज मंचाओ सूप भी है, क्या क्या है, लेकिन हम कुछ नहीं खाएंगे। मुझे क्यों? क्यों? क्योंकि हम घास फूस नहीं खाएंगे बेबी, हम हमारे वाला खाना खाएंगे। एग फ्राइड राइस, प्रॉन फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड नूडल, चिकन ट्रिपल फ्राइड राइस, चिकन ट्रिपल फ्राइड नूडल, चिकन मंचूरियन, चिकन मंचाओ सूप, सब ले आओ, दो दो। वेट। हाँ मेन्यू लो। एक वेज हाका नूडल्स, एक वेज मंचूरियन और एक वेज चॉप सुई, ले आओ। नील मैं जानती हूँ तुम नॉन वेज खाते हो, प्लीज मेरी वजह से अपना ऑर्डर। नहीं रागिनी, इट्स ओके, मैं वही खाऊंगा जो हम आपस में शेयर कर सकते हैं। कोई तरीका होता है, हम सब साथ में बैठ के खा रहे हैं। राइट। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, लेकिन मुझे प्रॉन साहब प्यारे हैं, फ्राइड प्रॉन, प्रॉन फ्राइड राइस, चिकन मंचाओ सूप बेबी। ले आओ भाई ले आओ, खाना ले आओ फटाफट यार, बहुत भूख लगी है कस के। मिथुल जी। अरे आप। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भाई वाह, आप इस साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही हैं। किसी पार्टी या बारात में जा रही हैं क्या? थैंक यू, बैठे ना। वो एक्चुअली बारात तो नहीं, वो मार्केट आई थी, अब इतनी गर्मी है तो सोचा आइसक्रीम खा लूं। आप लेंगे? नहीं नहीं, मैं दरअसल बाहर खड़े होकर आइसक्रीम ही खा रहा था। अच्छा अच्छा, आपको देखा तो आ गया। ओ। वैसे अब हम मिलते रहेंगे क्योंकि अब हम लोग रिश्तेदार जो बनने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात मेरी समझ नहीं आई मिथुल जी, कि ये सिड और आन्या मिले कहाँ, मुझे ये पता ही नहीं चला। अब आप देखिए ना, सिड मुंबई में था, आन्या दिल्ली में, कब मिल गए? एक तो ये बच्चे लोग कुछ बताते भी नहीं है। आप सच कह रहे, मैं भी ना यही सोच रही थी कि उनकी शादी इतनी जल्दी कैसे हो गई। करेक्ट। ये जो आन्या है ना,
बड़ी प्यारी बच्ची है। जी जी बिल्कुल। ये जब दिल्ली में थी तो इसका एक बहुत सीरियस अफेयर था, मुझे लगता है कि वो वर्कआउट नहीं हो पाया होगा। हाँ वो वर्कआउट नहीं हुआ। थैंक यू सो स्वीट जानू। अनु कभी कभी तुम्हें खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ, यू आर टू क्यूट, यू नो दैट, टू क्यूट, और खासकर तुम्हारे बीच वाला दाना। जानू हैव दिस, हैव दिस, नो नो यू हैव दिस, लो खाओ खाओ सम सैलेड। नील नो फॉर द टाइम बीइंग। तो सॉरी साहब, मैं क्या सोच रहा था, मैं कुछ दिनों के लिए ना सेन गुप्ता हाउस में शिफ्ट हो जाता हूँ। रीजन बीइंग कि मैं एक तो उस लड़की के करीब रहूंगा जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ, आन्या, मैं स्वीटी पाई। और दूसरी बात ये कि मैं आप लोगों का भी मन बहलाता रहूंगा, आफ्टर ऑल आई एम सो एंटरटेनिंग, लिटिल बिट अनोइंग बट मोस्टली एंटरटेनिंग। नॉट यू से, वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत में ना सुनहरे अक्षरों से घर जमाई लिख दिया गया है, तो मुझे घर जमाई बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वो तो साफ दिख रहा है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है जमाई राजा बनने से, और ना ही कोई शर्म। शर्म किस बात की? लेकिन मुझे है, मुझे दिक्कत है, मेरी बहन की शादी तरीके से नहीं हुई है। जिस दिन आने की शादी रस्म रिवाज से ठीक से हो जाए उसके बाद शी इज़ फ्री टू गो एनीवेयर, जहाँ चाहे जा सकती है, जो करना है कर सकती है। वैसे जानू हमारा रिश्ता भी ऊपर वाले ने फुर्सत में बनाया नहीं, मतलब सीरियसली मिस्टर सेन गुप्ता, मैं सोचता हूं ये कह देती है, ये कहती है मैं सोच लेता हूं। हम लोग एक दूसरे के सेंटेंसेस खत्म करते हैं, ये आमतौर पे होता नहीं है, तभी होता है जब ऊपर वाला जोड़ी बनाता है। हर किसी को ऐसे ही प्यार का इंतजार रहता है, नहीं जानू? कौन जानू? खाना तो खा लो सर। तो ये लो रागिनी, तुम्हारे सर में दर्द है ना? That's so sweet of you, Neil. Thank you so much. Welcome. I'm glad कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, बिना बोले ही सब कुछ समझ जाते। ये दोनों दरवाजे के बाहर खड़े होके क्या कानाफूसी कर रहे, सुनाई भी नहीं दे रहा। एक्टिंग करना, ओवर एक्टिंग वाली यानी मेरी वाली एक्टिंग, ओके? एनिमेटेड एक्सप्रेशंस कैसे करेगी? और जोर से अभी कर लो, कर तो सकता। इनका रास्तों में जान के ही रहूंगी। ओ माँ आनिया, की होलो बेटा? अरे की होलो क्या, चोट लगा ली इसने, इतनी कस के पैर पे चोट लग गई इसके यार, क्या करती हो तुम भी बीबी यार, हद होती है यार। बैठो बैठो बैठो, संभाल के संभाल के संभाल के संभाल के, केयरफुल 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 केयरफुल, रिलैक्स रिलैक्स। ओहो बहुत दर्द हो रहा है माँ, ये सब हुआ बेटा? क्या बताऊं मैं, अब रोड पे चलते चलते ट्रिप हो गई यार। क्या यार आनू, तुम भी ना जानू, तुम बेबी बहुत दर्द हो रहा है।
आंटी जी, मैं क्या सोच रहा था कि अगर आपको एतराज ना हो तो मतलब अगले कुछ दिनों तक मैं यहाँ रुक जाऊं। नहीं, क्योंकि देखिए ना, कैसी पनौती पाल ली है इसने, कल कुछ करा लिया, आज कुछ करा लिया, कल कुछ और अगर कर बैठी तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मैं ख्याल भी रख लूँगा इसका, और फिर आप लोगों के साथ भी, है ना जानू? हाँ जानू। है ना बीबी, ओल्ड बीबी। मत रखो कंधे पे, एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग। क्यों क्यों नहीं, ये भी तुम्हारा ही घर है, इसी बहाने हम भी जमाई राजा के साथ थोड़ा वक्त बिता लेंगे। कैमोन छो ना, सो स्वीट। आप लोग वाकई में अपने घर के बच्चों से कितना प्यार करते हैं। अब संभाल के आने, बहुत संभाल के, संभाल के, संभाल, पैर में लगी है, संभाल, केयरफुल केयरफुल केयरफुल। देखो बेबी, सब कुछ अच्छा हो गया ना, अब कोई चिंता की बात नहीं है। अब सारा वक्त मैं तुम पे नजर रखूंगा, हल्की सी तुमसे नजर हटती नहीं कि तुम कुछ उल्टा सीधा ही कर देती हो। संभाल संभाल, केयरफुल। ओए ओए, क्या कर रही हो तुम? हैव नो फियर, विंसेंट इज हियर। ओए तेरी तो, आप बंगाली लोग अपनी बच्चियों को ज्यादा ही खिलाते हैं। नहीं नहीं, मेरी बेबी की बोन्स है भी। चले चलो जानू, चले जानू। मिस देसाई, जरा साइड होएंगी प्लीज। क्यों, चलो चलो। दोनों में कितना प्यार है ना, भगवान करे किसी की नजर ना लगे इन दोनों को। नजर तो मैं रखूंगी इन पर, भगवान जाने क्या करना चाहते हैं ये दोनों। सिद्धार्थ का हुआ क्या है, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या बात है रागिनी, तुम्हारा ध्यान खाने में कम और जमाई बाबू और आनिया के रूम में ज्यादा है? मामी जी, आपका ध्यान सिर्फ रागिनी के ऊपर है, ना रागिनी खा रही और ना आप खा रही। रागिनी को तो आनिया की फिक्र है, लेकिन आपको इस बात की फिक्र है कि रागिनी को आनिया की फिक्र क्यों है? ये समझ आया? आप छोड़िए, आप खाना खाइए। क्या बकवास, ये घर है या होटल? दो बार डिनर के लिए बुला चुके हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं अंदर से। इस बचकाना बिहेवियर की भी एक लिमिट होनी चाहिए। पागल लड़की है, सच अ नॉटी गर्ल, आई मीन शी इज सो नॉटी, शी इज सो। सॉरी सॉरी सॉरी, आंटी जी, मैं क्या सोच रहा था कि अब आप तो जानते हैं कि आनिया की तबीयत कितनी, सो अगर आपको एतराज ना हो तो मैं खाना लेकर आनिया के साथ कमरे में खा लूं। What the hell? आनिया, आनिया, छेड़े दो सुना, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम जमाई राजा, आप खाना अंदर ले जाइए। यू वांट मी टू हेल्प यू? ना ना, छेड़े दो सुना, आई विल मैनेज। थैंक यू आंटी जी।
साल कैसी? अच्छी है? उसको आन्या को बहुत पसंद है। वाह, गुलाब जामुन तो एक्साइटेड ही हो जाएगी। उप्स, नील, there's something here. Can I? साले साहब, फेस आपका एकदम क्लीन एंड क्लियर हो गया, मस्त। एंजॉय। रोशनी के साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो? इट्स ऑलराइट, अब मैं दिखाऊंगी गेम कैसे खेलते हैं।